कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। अमावस्या की रात को रोशनी से जगमग करने के लिए दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं। ये खुशियों का त्योहार है, ये बात तो सभी जानते हैं। अगर आप भी दीपावली पर अपने घर को दीयों से सजाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको ऐसी 5 खास बातों के बारे में बताएंगे जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए लोकल 18 ने अयोध्या के ज्योतिषी पंडित कल्किराम से बात की है। उन्होंने हमें बताया कि वैसे तो दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि धन धान्य की कमी ना हो, लेकिन वास्तु शास्त्र और हिंदू धर्म के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और वो क्या है चलिए जानते हैं। दीपदान का ये महापर्व भगवती लक्ष्मी को समर्पित है। भगवती की प्रसन्नता के लिए हमारे तमाम भाई बहन नाना प्रकार के उपाय करते हैं, किंतु दीपदान करते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हमारे थोड़े से प्रयास आश्चर्यजनक परिणाम देने वाले होते हैं। दीप प्रज्वलित करते समय एक बड़े आकार का दीपक रखें, जिसमें जो अन्य दीपक से बड़ा हो, उसमें घी भरकर लंबी चौमुखी बाती रखें इस प्रकार की, और उसके चारों कोने जलाकर पूजन स्थल पर रखें। इससे भगवती लक्ष्मी के चारों ओर से आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। सौभाग्य में वृद्धि के लिए लाल रंग के सूती कलावे की बाती बनाकर उसको जला सकते हैं रुई के स्थान पर। सफलता पाने के लिए जिन भाई बहनों को सफलता नहीं मिल रही है बहुत प्रयास करने पर, उन्हें चाहिए कि एक घी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखें। एक दीपक सरसों के तेल का अथवा तिल के तेल का दक्षिण दिशा में घर की ओर रखें। इससे नकारात्मकता समाप्त होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि दीपावली पर दिए जलाते समय किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।